हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। दोस्तों 24 मार्च के दैनिक समसामयिक की जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी तथा जो आपके वर्दी के सपना को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो दोस्तों हो जाइए आप तैयार करने को अपने वर्दी का सपना साकार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को एक छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ चढ़ी की वर्दी लगेंगे सितारे, चढ़ी की वर्दी लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नज़ारे। जुनून क्या है वर्दी वाले क्लास का, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मार्च को। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए इसके उद्देश्य का, तो इसका उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण की रक्षा करने में लगे लोगों की भूमिका को उजागर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 2021 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम का, 2021 में इसका थीम है महासागरीय हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है दोस्तों, महासागर हमारी जलवायु और मौसम विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें विश्व मौसम संगठन का, ठीक है दोस्तों, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यह एक 193 देशों की सदस्यता वाला अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब अन्य अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 23 जनवरी, दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। और यह दिवस क्यों मनाने की घोषणा किया गया है? तो इसी दिन हमारे देश के महान सेनानायक सुभाष चंद्र बोस, लिखिएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। ठीक है, और उनकी 125वीं, कौन सा? 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इसी दिन निधन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? निधन हुआ था। तो 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस आदि मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टर द्वारा जारी अध्ययन के एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना को चौथे स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर? चौथे स्थान पर। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेना को चौथे स्थान पर रखा गया है। किसको दोस्तों? भारत को। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट का बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर चीन है। कौन है दोस्तों? चीन है। दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे पे रूस और चौथा पे कौन है दोस्तों? भारत है। ठीक है, अगर बात करें कि यह रिपोर्ट किस किस तत्वों पर निर्धारित होता है, तो यह होता है, पहला है बजट। क्या दोस्तों? बजट, कि आप अपने देश के सेना को अपने बजट में कैसा अनुदान देते हैं। ठीक है, दूसरा है रक्षा उपकरण। क्या दोस्तों? रक्षा उपकरण, आपके देश के सेना के पास रक्षा उपकरण कैसा है। ठीक है, तीसरा है हथियार। क्या दोस्तों? हथियार। ठीक है, आपकी सेना के पास हथियार शक्ति कैसा है। ठीक है, और चौथा है सैन्य का आकार, मतलब तो आपके देश के सेना का आकार कैसा है। इन चारों आधार पर चीन का सेना नंबर 1 पे है और भारतीय सेना को नंबर 4 पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो दोस्तों चीन जो है वह महासागरीय सैन्य के शक्ति में नंबर 1 पे है। किस शक्ति में? महासागरीय शक्ति में। जबकि अमेरिका जो है वह वायुयान, कौन सा दोस्तों? वायुयान के शक्ति में नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर रूस का बात करें तो रूस जो है वह थल सेना के शक्ति में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अगर समुद्र में लड़ाई होगा तो चीन जीतेगा, हवा में होगा तो अमेरिका, और थल पे होगा तो अगर रूस जीतेगा, और तीनों में हो गया तो कौन जीतेगा? हमारा भारत जीतेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है या फिर किसे प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यह किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। किसको किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें शेख मुजीबुर रहमान को, तो इनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, कब दोस्तों? 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, तो इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्या क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, इसके अलावा इनको बंगबंधु, क्या दोस्तों? बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बंगबंधु का उपाधि भी इन्हें दिया गया है। इन्होंने एक अपना पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था अवामी लीग। क्या था दोस्तों? अवामी लीग। और हाल ही में अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इनकी बेटी हैं जो कि अवामी लीग से ही हैं। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है दोस्तों? ढाका है। ठीक है, तो 2020 के लिए किसको मिला? शेख मुजीबुर रहमान को मिला। लेकिन दोस्तों 2019 का भी दिया गया है, तो 2019 के लिए किसको मिला है? तो 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को मिला है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के सुल्तान है? तो यह ओमान के सुल्तान है। कहाँ के हैं दोस्तों? ओमान के। ठीक है, और दोस्तों 2021 में पहले बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत, क्या दोस्तों? मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले कभी भी किसी को मरणोपरांत नहीं दिया गया था। तो दोनों को क्या हुआ है दोस्तों? दोनों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें इस पुरस्कार का, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में, कब दोस्तों? 1995 में हुई। क्यों हुई? गांधी जी की 125वीं, क्या दोस्तों? 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यह पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब कुछ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने महिला सिंगल का खिताब जीता? तो दोस्तों ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब नाजोमी ओकुहारा, कौन दोस्तों? नाजोमी ओकुहारा ने जीता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें नाजोमी ओकुहारा का, तो इनका संबंध जापान से है। कहाँ से दोस्तों? जापान से। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब, ठीक है दोस्तों, पुरुष, तो पुरुष सिंगल का खिताब जीता है ली जी जिया। किसने? ली जी जिया ने। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के हैं? तो ये मलेशिया के हैं। कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अदर टॉपिक को देखा जाए तो इसमें एक पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु कौन है? तो भारत की सेफ्टी, जिसे सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन है नाओमी ओसाका। दोस्तों नाजोमी ओकुहारा और नाओमी ओसाका में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो नाओमी ओसाका जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविच, कौन दोस्तों? नोवाक जोकोविच पुरुष में, और महिला में नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। और नाजोमी ओकुहारा और ली जी जिया, ये दोनों ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत जो है वो 56वें स्थान पे है। किस स्थान पे दोस्तों? 56वें। यह रिपोर्ट जो है वह इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक भारत जो है वह 2020 की चौथी तिमाही में कीमतों की वृद्धि मामले में वैश्विक तौर पर 56वें स्थान पर, कितना पे? 56वें स्थान पर है। ठीक है, इस दौरान भारत 13 स्थान नीचे गिरा है। कितना दोस्तों? 13 स्थान। ठीक है, 2019 की चौथी तिमाही में अगर भारत का स्थान देखा जाए, तो उस समय भारत का स्थान कितना था? तो 43 नंबर था। कितना था दोस्तों? 43 नंबर पे था। ठीक, भारत, देखिए दोस्तों ये जो इंडेक्स है ना, ये कितने देशों के लिए जारी होता है? 56 देशों के लिए जारी होता है, और भारत का स्थान कौन सा है? तो 56 है। तो इस इंडेक्स में भारत जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, जहाँ घरों की कीमत में सालाना आधार पर 3.6, कितना? 3.6% का गिरावट आई है। दोस्तों अगर अन्य ऑप्शन को देखा जाए, तो जो 53वें स्थान है वो भारत किस चीज़ में है?
तो भारत जो है वह वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, कौन सा दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कितना है, 53वां है, ठीक है। और 10वां नंबर किसमें है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 25वां है। तो दोनों या तीनों याद रखिएगा, ठीक है। 53वां हो गया लोकतंत्र में, 56 हो गया ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में, 10 हो गया आपका जलवायु परिवर्तन, सॉरी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। और 25वां होगा आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है दोस्तों। इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 लोकसभा में किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया है? दोस्तों यह बिल जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। और भारत में भी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है दोस्तों। बात करें इस बिल का, तो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक 2021 को पेश किया गया है, ठीक है दोस्तों। यह विधेयक क्या है? तो यह विधेयक सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक विकास संस्थान स्थापित करने की अनुमति देगा, ठीक है दोस्तों। एक विकास संस्थान स्थापित करने का अनुमति देगा, ठीक। विकास वित्त संस्थान की स्थापना हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई है, ठीक है दोस्तों। ये जो विकास वित्त संस्थान है, इसका हाल ही में स्थापना का किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर अन्य ऑप्शन को देखा जाए तो गृह मंत्री, अभी हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। कौन है दोस्तों? अमित शाह जी हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है दोस्तों। और सीएजी अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पद है हमारे भारतीय संविधान में। इसका वर्णन देखा जाएगा तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है दोस्तों। ये कौन है अभी? तो भारत के सीएजी हैं, जो कि कितने नंबर के हैं? 14वां नंबर के हैं, ठीक है दोस्तों। 14वां नंबर के हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो दोस्तों कंगना रनौत को यह अवार्ड एक नहीं बल्कि दो दो फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। पहला हो गया मणिकर्णिका और दूसरा हो गया पंगा, ठीक है दोस्तों। मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें एक्टर का, तो एक्टर में दो दो एक्टर को अवार्ड मिला है। किसको दोस्तों? दो दो एक्टर को, ठीक है। पहला है मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, किसके लिए? भोसले के लिए मिला है। और धनुष को असुरन के लिए मिला है, ठीक है दोस्तों। तो मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए मिला है, धनुष को असुरन के लिए मिला है, और कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड है जो छिछोरे को मिला है। किसको? छिछोरे को। और छिछोरे में एक्टर कौन थे? तो सुशांत सिंह राजपूत थे, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सुशांत सिंह की मूवी छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार में से एक है, ठीक है दोस्तों। इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है वह हमेशा राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो 66वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ था, उसको उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं दिए थे, उसको उपराष्ट्रपति दिए थे, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को दो मोबाइल हर्बन ग्रीन MHC की आपूर्ति की है? तो दोस्तों यह भारत ने किसको किया है? तो ईरान को किया है। किसको किया है? ईरान को किया है, ठीक है। भारत ने 6MHC आपूर्ति के लिए एक अनुबंध समझौते के तहत ईरान को दो मोबाइल हार्बर केन की आपूर्ति कर
कर दी है। और कहाँ पे की है? तो चाबहार बंदरगाह पर, ठीक है। और चाबहार बंदरगाह पर ये दो खेप अभी पहुंच गया है, ठीक है दोस्तों। अगर MSC का बात करें तो यह 140 मीट्रिक टन भार उठाने की क्षमता वाला है। कितना दोस्तों? 140, ठीक है। यह भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को साहिद बेहस्ती बंदरगाह में कंटेनर बल्क और जनरल कार्गो की निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें चाबहार की, तो चाबहार एक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? चाबहार एक बंदरगाह है जो कि कहाँ है? ओमान की खाड़ी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ओमान की खाड़ी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। भारत के लिए यह जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान, कौन दोस्तों? ईरान और अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। यह जो परियोजना है यह संयुक्त रूप से भारत भारत ईरान और अफगानिस्तान द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। और देखा जाए तो इसको कब से शुरू किया गया है, जो इसमें दुलहस्ती है वह 23 मई 2016 से शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। कब से? 23 मई 2016 से। चाबहार में दो पोर्ट हैं, ठीक है। पहला का नाम क्या है? साहिद बेहस्ती। और दूसरा का नाम क्या है? तो साहिद कलंतरी। कौन कौन सा दोस्तों? साहिद बेहस्ती और साहिद कलंतरी। तो अभी काम किस पे चल रहा है? साहिद बेहस्ती पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चाबहार भी समझ लिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इथेनॉल नीति लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इथेनॉल नीति लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बिहार बना है। कौन बना है दोस्तों? बिहार बना है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन चुका है। कौन सा राज्य? प्रथम राज्य बन चुका है। इस पॉलिसी में बिहार को इथेनॉल हब बनाने की बात कही गई है। क्या कही गई है दोस्तों? बिहार को इथेनॉल हब बनाने की बात कही गई है, ठीक है। इसके तहत बिहार सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि इथेनॉल उत्पादन या उद्योग लगाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। क्या होगा दोस्तों? सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाएगा जो अगर बिहार में इथेनॉल का उत्पादन करेगा। और अगर मेन रूप से देखा जाए तो इस फैक्ट्री को उत्तरी बिहार, मानिए अगर ये बिहार है, ठीक है, ये हो गया, ये गंगा नदी हो गई, बक्सर जिला से कहाँ होती है? बिहार में प्रवेश करती है। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी बिहार। और ये हो गया उत्तरी बिहार। तो ये अगर मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसको कहाँ लगाने का योजना बनाया जा रहा है? तो उत्तरी बिहार में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो चीनी मिलें हैं, कुछ चीनी मिल जो है वह काम कर रही हैं, लेकिन कुछ चीनी मिलें जो हैं वह बंद पड़ गई हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जो किसान हैं उनके उत्पादन जो गन्ना है उनको बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन सबको पूरा करने के लिए अभी बिहार सरकार ने इथेनॉल लगाने की अभी घोषणा किया है, ठीक है दोस्तों। इथेनॉल के फैक्ट्री खुलने से बड़े पैमाने पर गन्ने की मांग बढ़ेगी, जिससे गन्ना तथा मक्का के किसानों को भी फायदा होगी। तो अगर इस फैक्ट्री को लगाया जाएगा तो किसानों की आय भी बढ़ेंगी और रोजगार भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी बिहार सरकार का सहयोग कर रही है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार के अभी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि 7वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कितने नंबर के दोस्तों? 7वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागु चौहान जी हैं। कौन है दोस्तों? फागु चौहान है। और बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी दो बराबर भागों में बिहार को बांटती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट वाला, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी किस देश के साथ मिलकर तीसरे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन, कौन सा दोस्तों? तीसरे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों भारत अभी फ्रांस के साथ मिलकर यह कार्य कर रहा है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, कौन है दोस्तों? के सिवान, उन्होंने कहा है कि भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। त्रिपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग मानव स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम सहित कई डोमेन में प्रवेश कर रहा है। इसमें दो संयुक्त मिशन मेघा ट्रॉपिक और सरल अल्टिका है, ठीक है। कौन कौन सा? मेघा ट्रॉपिक और सरल अल्टिका को इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है।
दोनों एजेंसियों ने इसरो के ओशन सेट 3 उपग्रह में नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के अर्गोस उपकरण को शामिल करने के लिए दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसरो का, तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। कब हुआ था दोस्तों? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? बंगलुरु में। ठीक है, और इसके हेड कौन है? तो के शिवन है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का अपना क्लास समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ स्टैटिक्स जीके देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोग के लिए साइंस जपनाम सीरीज लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं साइंस में। ठीक है, आज मैं आप लोग को साइंस में कोशिका के बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कोशिका का हम लोग देखेंगे। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे पहले कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और साइंस के लैंग्वेज में इसको साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटो। ठीक है, और साइटो से ही क्या बनता है? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगर सर्वप्रथम कोशिका का खोज देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोज किया था वह मृत्यु कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत्यु कोशिका। ठीक, उसके बाद से ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का? जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया। ठीक है, अगर कोशिका का सिद्धांत देखा जाए तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, कोशिका झिल्ली देखा जाए तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। किसके में दोस्तों? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति यानी शैवाल जो होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है शैवाल वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो है वो किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, और इसी सेल्यूलोज से क्या क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है, नोट बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ये सब किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जो कि कोशिका भित्ति में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वह मानव के शुतुरमुर्ग, सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका का ओवरऑल में देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी अगर कोशिका देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा है। कौन है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। अगर मानव में देखा जाए तो मानव में अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम है, जो कि महिला का है। ठीक है, और अगर मानव में अगर सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो स्पर्म है, पुरुष का। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे लंबी कोशिका का बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन कोशिका, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? मस्तिष्क में। ठीक है, अगर देखा जाए कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो शराब और आप लोग पीते हैं उनको जल्दी कैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन है जो बहुत तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो न्यूरॉन में नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपना क्लास समाप्त हुआ। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कल का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर स्पेन होगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन था कि सिंहराज ने 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो वह जीता है स्वर्ण पदक। दोस्तों, अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग आंसर प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। आप लोग आंसर करेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा ना कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि कुपोषण की समस्या के लिए समर अभियान, कौन सा अभियान दोस्तों? समर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कमलप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? दोनों दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आल्सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग के लिए वीडियो कितना यूजफुल हो रहा है, ताकि मैं और स्टैटिक्स डालकर और अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों,
आप प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर से भी वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।